तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है हर्ष भट्ट और स्वागत करता हूँ टेक कमा के एक नए एपिसोड में। आज हम बात करेंगे, माइक्रोमैक्स ने अपने लॉन्च कर दिया दो नए स्मार्टफोन। क्या लगा, धक्का लगा? मेरे को भी धक्का लगा क्योंकि माइक्रोमैक्स ने कमाल कर दिया अपने इस दोनों फोन के साथ। तो आज हम बात करेंगे इस दोनों फोन के स्पेसिफिकेशन के बारे में, उसमें क्या है कुछ माल मसाला, और आओ करें चीनी कम विद श्री गणेश। तो फर्स्ट हम बात करते हैं इन नोट वन। तो हमें इसमें देखने को मिलता है 6.67 इंच की फुल HD+ डिस्प्ले, और इसमें हाँ डॉट डिस्प्ले हमें देखने को मिलती है जो देखने में तो बहुत ही बढ़िया लग रही है। और बात करें हम इसके प्रोसेसर के बारे में, तो इसमें हमें मीडियाटेक का हीलियो G85 प्रोसेसर, गेमिंग प्रोसेसर देखने को मिलता है। तो इस फोन को बहुत ही तगड़ा बनाने वाला है। इसमें हमें देखने को मिलता है स्टॉक एंड्रॉयड, जो मेरे ख्याल से यह सबसे बड़ा धमाका है, क्योंकि इसमें आपको न ही कोई ब्लॉटवेयर और एड्स देखने को मिलेगी, प्योर फोन आपको इसमें देखने को मिलेगा। तो हमें इसमें देखने को मिलता है 5000 mAh की बिग बैटरी, जो 2 दिन को आराम से ही चले जाएंगे। और इसके साथ हमें मिलता है 18 वाट का फास्ट चार्जर। इसमें सबसे बढ़िया बात यह है कि इसमें हमें रिवर्स चार्जिंग का सपोर्ट भी देखने को मिलता है। तो और इसके साथ हमें टैप सी का सपोर्ट देखने को मिलता है, जिससे यह बैटरी बहुत ही तेजी से फास्ट चार्ज हो जाएगी। तो इसमें हमें क्वाड रियर कैमरा सेटअप देखने को मिलता है, जिसमें 48 मेगापिक्सल प्राइमरी कैमरा, 5 मेगापिक्सल वाइड एंगल के लिए, 2 मेगापिक्सल डेप्थ के लिए, और 2 मेगापिक्सल मैक्रो लेंस के लिए। तो बात करें हम फ्रंट कैमरा की, तो इसमें हमें देखने को मिलता है 16 मेगापिक्सल का वाइड एंगल कैमरा, जिसमें हमें रियल और वाइड एंगल दोनों ही एक साथ हमें इसमें देखने को मिलता है, जिसे सेल्फी तो बहुत ही बढ़िया आने वाली है। तो ये सब मिलाकर माइक्रोमैक्स ने लॉन्च किया अपना इन नोट वन, जो मेरे ख्याल से सबसे बढ़िया फोन है इस प्राइस रेंज में। तो अब बात करते हैं मेन इसकी प्राइसिंग के बारे में। तो 4GB 64GB वाला जो वेरियंट है उसकी प्राइस है 10,999 रुपीज़, और दूसरा वेरियंट है 4GB 128GB वाला जो वेरियंट है उसकी प्राइस है 12,499 रुपीज़। तो मेरे ख्याल से इस प्राइस रेंज में तो और कोई बढ़िया फोन हो ही नहीं सकता। और मेन बात यह है कि यह एक इंडियन फोन है, तो आई सपोर्ट माइक्रोमैक्स इन। अब बात करते हैं हम दूसरे फोन के बारे में, माइक्रोमैक्स इन 1B। तो बात करते हैं उसकी कुछ स्पेसिफिकेशन के बारे में। तो फर्स्ट इसमें हमें देखने को मिलता है 5000 mAh की बैटरी विथ टाइप सी, जो मेरे ख्याल से एक की पॉइंट होगा इस फोन के लिए। इसके साथ हमें देखने को मिलता है मेन 6.62 इंच की HD+ डिस्प्ले, और इसमें हमें वाटर ड्रॉप नॉच देखने को मिलती है। तो अब बात करें कैमरा सेटअप की, तो इसमें हमें 8 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा देखने को मिलता है। तो अब बात करें रियर कैमरा की, तो 13 मेगापिक्सल + 2 मेगापिक्सल कैमरा हमें देखने को मिलता है। तो अब बात करें मेन फोन के प्रोसेसर के बारे में, तो हमें इसमें देखने को मिलता है मीडियाटेक G35 प्रोसेसर, जो एक हाइब्रिड बेस्ड प्रोसेसर है गेमिंग के लिए। इसमें हमें बैटरी के साथ साथ हमें इसमें 10 वाट का चार्जर भी देखने को मिलता है। और इसके साथ इस फोन की सबसे बढ़िया बात है कि इसमें हमें स्टॉक एंड्रॉइड देखने को मिलता है, जो मेरे ख्याल से तो बहुत ही तगड़ी चीज है इन फोन के लिए, क्योंकि हमें इसमें कोई एक्स्ट्रा एड्स देखने को नहीं मिलती है। तो अब बात करें मेन इसकी प्राइस के बारे में, तो इसमें हमें 4GB और 64GB वाला जो वेरियंट है इसकी प्राइस है 7,999 रुपीज। तो भाई वोकल मचा दिया इस माइक्रोमैक्स ने। तो अब मैं बताऊंगा इसके कुछ की पॉइंट, क्या हमें इस दोनों फोन में से कोई फोन परचेस करने चाहिए कि नहीं चाहिए, और क्यों करने चाहिए। तो मेरे ख्याल से माइक्रोमैक्स इन दोनों फोन में तो बहुत ही टॉप है। फर्स्ट पॉइंट इसका यह है कि माइक्रोमैक्स एक इंडियन ब्रांड है, और मेड इन इंडिया, मेक इन इंडिया के ऊपर यह फोन है। और सेकंड पॉइंट है इसमें कि इसमें जो स्पेसिफिकेशन है उसके हिसाब से दूसरे जो फोन है जैसे कि रेडमी नोट 9, उससे हम कंपेयर करें तो यह फोन तो बहुत ही बढ़िया है, क्योंकि इसमें रेडमी नोट 9 में तो बहुत ही ब्लोटवेयर और एड्स देखने को मिलती है, बट इस फोन में आपको कोई ब्लोटवेयर कुछ नहीं देखने को मिलेगा, प्योर क्लीन मोबाइल अपने देखने को मिलता है। और इसके साथ मेन मैंने पहले ही बताया यह इंडियन ब्रांड है, तो मैं प्रीफर करूंगा माइक्रोमैक्स नोट 9 1 और दूसरा जो फोन है 1B को। जो इस फोन को आप परचेस करना चाहते हो तो 24 नवंबर को फ्लिपकार्ट पे या माइक्रोमैक्स की वेबसाइट पे आप इसको परचेस कर सकते हो,
और मेरे ख्याल से इस माइक्रोमैक्स को बड़ा ऐसा थम्स अप है मेरी तरफ से, क्योंकि इस फोन में तो बहुत ही कमाल है। तो बस इतनी थी हमारी वीडियो, आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और ये वीडियो को बहुत सा लाइक कर दीजिए। तो मिलते हैं हम अगले वीडियो में।